ग्रीन बनाना से बना ये सुंदर रेसिपी आपको भी ट्राई किया है? ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसे। यहाँ पर मैंने 3 बनाना लिया है और उसको हम अच्छी तरह से सफाई कर लिया है। दोनों साइड को मैंने कट कर लिया। एक आलू लिया और उसको भी कट कर लिया। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी में वो सब रख के हम नमक, हल्दी और काले दाग नहीं आने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम उनको 3 सीटी मारने तक पका लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बनाना और आलू अच्छी तरह से पक गया है। अब हम धीरे धीरे एक बाउल में उनको निकालेंगे और पानी के हाथ में लगाकर उनको जो छिलका है धीरे धीरे निकालेंगे। उनका जो छिलका है ना पकने के बाद बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है। अब धीरे धीरे उनको निकालेंगे और इस तरह से एक चम्मच से या फिर आप हाथ में बहुत अच्छी तरह से उनको पेस्ट करेंगे। इसी पेस्ट में अभी हम डालेगा 1 काटी हुई प्याज, 2 कटी हुई ग्रीन चिली और 1 रसुन का छेचा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे हम राइस का आटा। और आपका पास पुदीना पत्र है क्या, धनिया पत्र है, नहीं तो कड़ी पत्तियाँ हैं, कोई भी पत्तिया आपके पास है तो आप इसमें मिला सकती है। पत्तिया का जो स्मेल आता है ना वो रेसिपी में बहुत बढ़िया स्मेल आता है, इसलिए हम जो भी पत्तिया हमारे पास है वो पत्तिया को हम कट करके इस पेस्ट में मिला सकती है। यह हमारा अच्छी तरह सा पेस्ट हो गया है। अभी हम तेल को हाथ में लगाकर बोरा जैसा स्पेस बनाएंगे। धीरे धीरे काम करेंगे, ये बहुत अच्छी तरह सा स्पेस बन जाएगा। वो सारी पेस्ट को आप इसी तरह से स्पेस बनाकर रखेंगे। यदि आपका पास राइस का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर या बेसन यूज कर सकती है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में एक पैन बसाकर उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम जितने भी बोरा बनाया था उन बोरा को पैन में रख देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा एक तरफ तो गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम दूसरे तरफ भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका घर में जितने भी सदस्य हैं छोटे से बड़े तक इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सभी बड़ा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसे एक प्लेट को निकालेंगे। और रेसिपी बहुत टेस्टी और हेल्दी है और आप इसे बहुत आसान तरीक़ा से बना सकती है। आप इसे लंच में या डिनर में किसी से भी खा सकती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकती है। मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ। टेक केयर, बाय बाय।